सो मी मीन डिवियशन में चूंकि एक्स माइनस मीन का जब हम समेशन करते हैं तो वो जीरो हो जाता है तो वाई नॉट टू गेट रीड ऑफ द नेगेटिव साइंस एंड टू गेट रीड ऑफ द जीरो समेशन वाई डोंट वी स्क्वायर देम क्योंकि जब हम हर वैल्यू को स्क्वायर कर देते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव साइंस भी खत्म हो जाते हैं और फिर हमारी टोटल uh, भी हम कहें सो वेरियंस एक्चुअली इज काइंड ऑफ मे ऑफ डिस्पर्शन जिसके अंदर हम हर स्कोर का उसके मीन यानी सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस या डिविएशन देखते हैं और चूँकि हम हर स्कोर का एक्स माइनस मीन करते हैं तो बजाय हम उसका ज़ीरो सम करने के हम उन हर वैल्यू को स्क्वायर कर लेते हैं सो वेरियंस एक्चुअली इज वेरी फ्रीकुंटली यूज नॉट ओनली इन डिस्क्रिप्टिव बट इन्फ्लुएंशियल स्टिस्टिक्स विच विल टॉक शॉर्टली कि हम कैसे एस्टिमेशन करते हैं पॉपुलेशन की और कैसे हम इन्फ्लुएंशियल स्टिस्टिक्स में మేజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ కో యూజ్ కర్తే హే ఔర్ కైసే డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ మే హమే మేజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ కో యూజ్ కర్తే హే సో వేరియన్స్ టెల్స్ అస్ ది డివియేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ స్కోర్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మీన్ ఔర్ హమ్ ఉస్కో స్క్వేర్ కర్ lete హే హమ్నే ఏక్ బాత్ హై కి హమ్నే బాత్ కీ థీ పహలే అప్నే పిచ్లే లెక్చర్ మే కి వి హావ్ అ పాపులేషన్ అండ్ వి హావ్ అ శాంపుల్ अब हम पॉपुलेशन को भी पूरी को स्टडी करके उसके भी मीन मीडियम मॉड स्टैंडर्ड इविशन निकाल सकते हैं और सैंपल को भी स्टडी करके हम उसका मीन स्टैंडर्ड इविशन निकालते हैं सो द करेक्टरिस्टिक्स और मेयर्स दैट वी कैलकुलेट फ्रॉम अ पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर एंड द करेक्टरिस्टिक्स और मेयर्स दैट वी कैलकुलेट फ्रॉम अ सैम्पल आर नोन एज स्टेटिस्टिक ये हम अभी फर्दर इन्फ्लुशल में पढ़ेंगे कि हम बेसिकली इंटरेस्टेड uh, होते हैं हमेशा पॉपुलेशन के अंदर और हम पॉपुलेशन से एक साम्पल निकालते हैं और उसका मीन मीडियम स्टैंडर्डिएशन निकालते हैं बट एक्चुअली वी वॉन्ट टू नो और इन्फर मोर अबाउट द रियल पॉपुलेशन जहाँ से हमने उसको डेटा लिया इसलिए हम कोशिश करते हैं कि साम्पल शुड बी वेरी रिप्रजेंटेटिव फ़र्ज करें कि जैसे मेरी अगर क्लास um, है फिफ्टी की आई हैव फिफ्टी स्टूडेंट्स आई आस्क ईच वन ऑफ द स्टूडेंट टू यू नो टेक अ सैम्पल ऑफ से एट स्टूडेंट्स एंड देन कैलकुलेट दिया स्कोर्स एंड कैलकुलेट दिया मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन

स्टैंडर्ड uh, डिविजन भी एग्जिस्ट करता है और उनका वेरियंस भी एग्जिस्ट करता है विच इज़ अ पैरामीटर तो अगर हम वेरियंस uh, निकाल रहे हैं फॉर पॉपुलेशन तो इट विल बी एक्स माइनस म्यू ये हमारा जो है म्यू पढ़ते हैं इसको हम और ये नोटेशन सिंबल यूज़ करते हैं हम पॉपुलेशन की मीन के लिए तो साम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन भी हम निकाल सकते हैं लेकिन अगर हमारे पास एक साम्पल है और हम उसमें डिविएशन देख रहे हैं तो फिर हम हर एक्स स्कोर को उसके मीन से करेंगे सो एक्स बार इसको हम पढ़ते हैं मीन पढ़ते हैं यूजली दिस रिप्रेजेंट्स द मीन ऑफ अ सैंपल। सो हाउ वी कैलकुलेट वेरिएंस? वी कैलकुलेट वी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो सी द डिविएशन ऑफ ईच एक्स स्कोर फ्रॉम इट्स मीन एंड देन बिकॉज वी नो के एक्स माइनस मीन समेन विल ऑलवेज बी जीरो वी स्क्र ईच वैल्यू टू गेट रीड ऑफ दैट नेगेटिव साइन वांस वी स्क्वा दम फिर हम उसका समेशन ले लेते हैं और फिर हम उसको एन से डिवाइड कर लेते हैं सो दीज आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट वेरियंस और स्टैंडर्ड एवियशन भी हम इसी के ऊपर बिल्ड करके आ, निकालते हैं वो हम आगे जाके स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन में बात करते हैं ये मैंने एक दिया हुआ डेटा हाइपोथेटिकल डेटा है और इसके अंदर हमने फार्मूलाज दिए हुए आपको सिंपली आपको जैसा हम समेशन एक्स ओवर एन करते हैं मीन निकालने के लिए इसी तरह हम स्टैंडर्ड इविएशन निकालने के लिए हमारे पास वैसे मोस्टली दो फार्मूलाज हैं हम एक्स माइनस मीन से भी निकाल सकते हैं और हम इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं तो इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डविएशन फॉर और वेरियंस फॉर अ एसम्पल तो हमारा जो फार्मूला uh, होगा वो हम n माइनस वन करते हैं इसकी भी मैं अभी शॉर्टली बात करती हूँ कि वट इज़ एन माइनस वन वट इज़ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड वट इज़ एन बाइस्ट एस्टिमेशन और हम अगर पॉपुलेशन के लिए निकाल रहे हैं उसको हम वेरियंस का नोटेशन सिग्मा स्क्वायर है This is called sigma square which स्क्वायर विच इज़ नोटेशन और symbol for फॉर पापुलेशन deviation और इसी तरह अगर हमने पापुलेशन uh, वेरिएंस है और इस तरह अगर हमने साम्पल के लिए करना है तो हमारा एस स्क्वायर पढ़ते हैं जिसको हम स्क्वायर्ड डिविये कहते हैं एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं विच मींस इट्स अ वेरियंस फॉर द सैम्पल और फिर हम इसको अगर uh, इस तरह करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो हमारा ये स्टैंडर्डियशन फॉर द पापुलेशन के लिए आ जाता है सिगमा uh, जिसको हम पढ़ते हैं लेट्स क्विकली डू वन एग्जाम्पल टू यू नो जस्ट हैंड्स ऑन अभी मैं आपको जब असाइनमेंट दूंगी, आई विल सेंड यू आर डेटा सेट सो यू पीपल कैन सेट एंड एक्चुअली कैलकुलेट बाई हैंड क्यों क्योंकि हम ऐसे कंप्यूटर में हम बहुत ही ईजीली निकाल सकते हैं स्टैंडर्डियशन एस पी एस एस के अंदर बट इज इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो द स्टेप्स के डिस्पर्शन क्या है वेरिएबिलिटी क्या है कैसे हम हर स्कोर की डिविएशन उसकी मीन से देखते हैं और कैसे हम उसको स्क्वायर करते हैं और क्या प्रॉब्लम आता है एंड देन वाई एंड वेयर एंड हाउ वी यूज वेरियंस और स्टैंडर्ड एवियशन सपोजिंगली ये मेरे पास डेटा है ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्सोर फ्राम फाइव टू ट्वेंटी फाइव और अब मैं इसको अगर मैंने अपना पर्स करें वेरियंस निकालना है बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज आ वेरियंस फॉर द सैम्पल क्योंकि मेरे पास पांच वैल्यूज हैं और मेरा सैम्पल है तो मैं सबसे पहले इसका मीन निकालूंगी क्यों क्योंकि मैं हर एक्स स्कोर में से उसका मीन माइनस करूँगी अब मीन निकालने का फॉर्मूला आपको याद है वो था समेशन एक्स ओवर एन अब इसमें हमारा समेशन एक्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है विच इज सेवेंटी फाइव और हमारा एन कितना है फाइव अब मैं अगर डिवाइड करूंगी तो इसका आंसर आ जाएगा फिफ्टीन नाउ मीन मैंने निकाली है और फिर मैंने Uh, हर एक्स स्कोर में से मीन माइनस किया सो ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन इज टेन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन इज फाइव एंड सो ऑन अगर आप देखेंगे तो एक्स माइनस मीन का टोटल हमेशा ज़ीरो होगा क्यों क्योंकि हम उसी का मीन अगर हर स्कोर में से माइनस करेंगे तो उसका टोटल ऑलवेज जीरो आएगा टू गेट रिड ऑफ दिस वी इन वेरियंस विल स्क्र ईच वैल्यू सो वी विल स्क्र टेन टेन इंटू टेन विल बी हंड्रेड एंड माइनस एंड माइनस विल बी प्लस सिमिलरली फाइव इंटू फाइव विल बी ट्वेंटी फाइव और सारे नेगेटिव साइंस हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो so, हम समेशन एक्स माइनस मीन स्क्वायर कर लेंगे दैट इज़ टू फिफ्टी वंस वी हैव डन इट वी विल पुट द वैल्यूज जो कि हमारी टू फिफ्टी है और उसके ऊपर हमने एन माइनस वन एन हमारा फाइव है तो फाइव माइनस वन विल बी फोर विच विल बी इक्वल टू हमारा ऑलमोस्ट आ जाएगा सिक्सटी टू पॉइंट फाइव यू कैन डू इट इन योर कैलकुलेटर एंड यू विल फाइंड द सेम वैल्यू ये हमने निकाल लिया सिक्सटी टू पॉइंट फाइव अब अगर हमारा दूसरा फार्मूला हम करेंगे तो ये भी हमारा वैसे समटाइम्स हम मीन नहीं निकालना चाह रहे होते हम उन्हीं वैल्यूज़ को स्क्वायर कर लेते हैं दिस इज़ आल्सो सिंपल एंड वेरी फ्रीक्वेंटली यूज अब आपके पास एक्स का कॉलम है आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम कैलकुलेट करना है तो ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू सिक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर हंड्रेड देन आपका फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट लेटमी क्विकली डू इट इन द कैलकुलेटर मे वी डोट मेक एनी मिस्टेक फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन इज टू ट्वेंटी फाइव देन टेन इंटू टेन इज हंड्रेड देन फाइव इंटू फाइव इज ट्वेंटी फाइव एंड आई विल डू सम मेशन विच विल भी इक्वल टू सिक्स ट्वेंटी फाइव प्लस फोर हंड्रेड प्लस टू ट्वेंटी फाइव प्लस हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव इट विल्वल टू थर्टीन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव मैंने खुद से नहीं इतना किया आई एम नॉट एन आइंस्टाइन बस कैलकुलेटर डिड इट फॉर मी सो लेट्स डू ऑन द अदर स्लाइड एंड प्लग ऑल द वैल्यू रिमेंबर कि हमारा जो समेशन एक्स है दैट इज सेवेंटी फाइव और समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो थर्टीन सेवनटी फाइव है सो नाउ आई विल डू वेरियंस बाय दिस फॉर्मूला तो हमने कहा था कि दो वैल्यूज याद रखें समेशन एक्स स्क्वायर हमने किया था थर्टीन सेवेंटी फाइव और समेशन एक्स हमारा था सेवेंटी फाइव इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन हमारा है फाइव और फिर हमारा एन माइनस वन फाइव माइनस वन विच विल बी इक्वल टू थर्टीन सेवनटी फाइव माइनस सेवेंटी फाइव का हम लेंगे तो फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव आ जाएगा और फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को अगर मैं फाइव से डिवाइड करूँगी तो वो हमारा आ जाएगा थर्टीन सेवेंटी फाइव माइनस 1125 ट्वेंटी फाइव आ जाएगा इलेवन ट्वेंटी फाइव और इसको हम करेंगे माइनस uh, करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे हमारी एन माइनस वन फोर के साथ विच विल बी इक्वल टू आप इसको करेंगे तो वो ही टू फिफ्टी आएगा जो हमने पीछे निकाला था और यहाँ पे आप हम इसको एन माइनस वन फोर से डिवाइड करेंगे इट विल बी इक्वल टू सिक्सटी टू पॉइंट फाइव एग्जैक्टली हमने ये देखें एक्स स्क्वायेर माइनस तमेशन एक्स होल स्क्वायर के साथ भी एक्जैक्टली वही वैल्यू निकाली है जो हमने एक्स माइनस मीन स्क्वायर के साथ निकाली थी इट वॉज ऑल्सो इफ़ यू रिमेंबर प्रीवियस स्लाइड के ऊपर टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई फोर था एंड सिक्सटी टू पॉइंट फाइव हमने वेरियंस निकाल लिया है सो so, वेरियंस क्या आपको बता रहा है आपको बता रहा है कि हर स्कोर का उसके मीन से कितना डिस्टेंस है कितना डिविएशन है क्योंकि हमें पता है कि एक्स माइनस मीन जीरो होगा तो हमने उसके लिए हर वैल्यू को स्क्वायर कर लिया और स्क्वायर करने के बाद हमने उसको उसके एन साइज पे डिवाइड कर दिया सो so, वेरिएंस हमने कैलकुलेट कर लिया लेकिन वेरिएंस में क्या प्रॉब्लम है वेरिएंस में प्रॉब्लम ये है कि आप हर वैल्यू को जब स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है और जब आप उसका समेशन लेते हैं जैसा हमने पीछे कैलकुलेट किया है तो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा एग्जाजरेटेडली बड़ी आ जाती है सो टू गेट रिड ऑफ द नेगेटिव साइंस वी स्क्र द वैल्यूज लेकिन प्रॉब्लम uh, यह हुआ कि उसको स्क्वायर करने से वैल्यूज बड़ी हो गई तो अब स्टैंडर्ड एवियशन इज़ द मोस्ट रिफाइंड बेस्ट मेयर मोस्टली यूजड इन एवरी यू नो डिस्क्रिप्टिव एंड फ्रेंश स्टेटिस्टिक्स टू रिपोर्ट वेरिएबिलिटी एंड डिस्पर्शन इन द डेटा वाई बिकॉज इसके अंदर आपने हर स्टेप को ओवरकम किया आपने हर एक्स स्कोर का मीन से डिफरेंस भी देखा नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए उसको आपने स्क्वायर भी किया और फिर एंड पे आपने क्या किया एंड पे आपने उसको चूंकि आप स्क्वायर लेते हैं तो आप उसका अंडर रूट ले लेते हैं आपको पता है कि स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं मसलन तो अगर मैंने टू का स्क्वायर लेना है तो वो फोर होगा और अगर फोर का मैं अंडर रूट लूंगी तो वो टू आ जाएगा तो so, सिंपली हम स्टैंडर्ड इविएशन के अंदर वी विल जस्ट टेक अंडर रूट ऑफ द वेरियंस दैट इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड इवियेसन और ये हमने पीछे वेरियंस निकाला है सिंपल एंड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एविएशन आई विल सिंपली गेट अ स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी टू पॉइंट फाइव विच विल बी इक्वल टू सम लाइक सेवन पॉइंट नाइन दिस इज कैलकुलेटर हैलकुलेटेड फॉर मी बट यू कैन डबल चेक सो सेवन पॉइंट नाइन अब अब देखें कि आप कितना रियलिस्टिक हो गया कि आपको इस डेटा के अंदर यू कैन सी के डिस्पर्शन किस तरह से है राइट right? अब आप उसमें एग्जाजरेटेडली सिक्सटी टू पॉइंट फाइव की वैल्यू नहीं दे रहे इसमें डिस्पर्शन में बल्कि जब आपने उसका अंडर उठ लिया तो इट इज काइन अ लॉज फाइव से लेकर ट्वेंटी फाइव तक की वैल्यू है और आपका स्टैंडर्डियशन सेवन पॉइंट नाइन है आई विल टेल यू वट स्टैंडर्डियशन टेल्स अस अबाउट द डिस्पर्सन जस्ट शॉर्टली इसी तरह हमने यहाँ पे 62.5 वेरिएंस निकाला है एंड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन आई विल टेक द अंडर रूट ऑफ 62.5 ये मैंने निकाल लिया मेरे ख्याल से ना सेवन और ये मैंने निकाला है वेरियंस आपका जिसको मैं एस स्क्वायर भी कह देती हूँ थर्टी इसकी मैं स्टैंडर्ड एवियेन निकालने के लिए आई विल जस्ट गेट अंड द रूट ऑफ थर्टी नाइन पॉइंट टू फोर विच इज़ इक्वल टू अच्छा यहाँ मैंने सिगमा uh, डाला हुआ है विच आई बिलीव के इसका मतलब है कि ये अगर मैं इसको सिर्फ पॉपुलेशन कंसिडर करूँ कि दिस इज द होल पॉपुलेशन आई अगेट गेट द स्टैंडर्ड एवियेन इन दिस पॉपुलेशन तो आई विल इट बाई सिगमा और इसका मैं नोटेशन इस लिखूंगी सो so, इसको अब करने के लिए स्टैंडर्ड एवियशन आई विल get the square root of 39.25 uh, which will be approximately equal to 6.28 something so this is how we calculate standard deviation uh, which is the best and most refined measure because it takes into account each and every value in the data and then it sees its distance from the mean we square them and then we take a under root of them